तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हल्दी चाचा की। और यहाँ देखो सब रेडी हो रहे हैं, आधे लोग रेडी हो चुके हैं, आधे लोग रेडी नहीं हुए। कैमरा देख के थोड़ा मुंह की सफाई हो रही है, मगर कोई बात नहीं, मेरे को रेडी नहीं होने दे। और अभी मेरे को पिछली वीडियो भी बहुत सारी एडिटिंग के लिए पड़ी है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, मैं भी कुछ अच्छी सी बन के आती हूँ। मैं पीला नहीं पहनूंगी, मैं सोच रही हूँ मैं ब्लैक पहनूँ। सो लेट्स ब्रेक दिस पीला रूल एंड ब्लैक पहनते हैं, चलो। Guys, now I'm ready. और ये है हमारा दूल्हा। बहुत दिन से सवाल पूछ रहे थे कौन है दूल्हा, कौन है दूल्हा। तो ये है दूल्हा, किसकी शादी है लोग सोच रहे थे, मेरी शादी है। पता है वीडियो शेयर कर करके आपस में इनकी शादी है। और पीछे देखो सब रेडी हो चुके हैं, सबने पीला पहना और मैंने पहना है लाल। क्या चुरा रही है डेजी, क्या चुरा रही है? मुंह डाल के बैठी है। चलो चलो बाहर चलो, अभी सब्जी बनेगी तो तुम्हें चावल दूंगी। चलो बैठ जाए। गाइस मिल लो सभी से, हाय बोलो। मम्मी सामने, सब हाय बोलो लाइन से। राघव फोटो खींच रहा है, उधर देख लो। एक्सप्लेन कीजिए कि अभी क्या कर रहे हैं। ये कलश तैयार किया जा रहा है शादी में, हम लोग सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं। कलश तैयार किया जा रहा है, तो ये पूरे में लगाया जा रहा है काउडंग। ये हमारा बेबी, वो देखो कजरोटा बनाने लगा रहा है। बनाती रहो इसकी वीडियो, हटाऊ मत कैमरा। डप्पा में वो खाते हुए देख लिया। क्या कहते हो, कैसे बना पकोड़े? बड़ा अच्छे बने, मस्त है ना। अंकल के साथ पर भरोसा किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर माड़व रखा जा रहा है, आपने मेरे शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा। माड़व होता है मंडक और सात लड़के इसको कुछ छू कर रखते हैं। इसके बाद होती है सत्यनारायण की कथा और हल्दी। तो यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। ये हमारे अशोक चाचा है पंडित जी को लेके। हाय, उन्होंने पहले अपनी जगह बुक कर ली, सविता माँ ने भी जगह बुक कर ली फटाफट से। गाइस डेजी इतना ज्यादा डर जाती है ना जब इसको छोड़ के चले जाते हैं। अभी मैं नीचे छोड़ के इसको चली गई, मतलब कथा वथा चल रही थी, और ये भौंके जा रही कंटिन्यूसली। एक घंटा इसने भौंका है, मतलब नॉन स्टॉप। फिर मैं उसके बाद ऊपर आई हूँ, अब देखो कैसे बैठी मैं पे चढ़ के। और खुश आई, अब ये मेरे पास आ गई है, अब ये कहीं नहीं जाएगी। कुछ कुकु, तुम ना लो बच्चा हो, तुम ना लो बच्चा। कल शादी में क्या करेगी? शादी में तो हम रहेंगे नहीं, फिर क्या करोगी शादी में पूरी रात? ये छोटा बच्चा, ये प्यारा सा छोटा बच्चा है। डेजी को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं उसको छोड़ के आई हूँ नीचे, क्योंकि पूजा हो रही है, आवाज आ गई होगी आप लोगों को। तो गाइज आप देख सकते हो, हवन के बाद, कथा के बाद और आरती के बाद अब फाइनली हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मेरी बड़ी बुआ ने चाचा को लगाई हल्दी, और उसमें थोड़ा सा लगाते हैं सरसों का तेल भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पांच लोग लगाते हैं हल्दी, और ये पांच दिन तक चलता है। मगर हमारे घर में मान था, इस वजह से हमने शादी से एक दिन पहले ही सब करा। तो गाइज मैं चाचा के लिए ये वाला हल्दी चंदन का उपटन लेके जा रही हूं, जो वो वाली हल्दी है वो थोड़ी जलन करती है। तो गाइज अब आ गई है मेरी बारी चाचा को हल्दी लगाने की। सबने तो बारी बारी से लगा ली, फिर मैंने कहा चलो यार मैं भी थोड़ी सी हल्दी लगाई देती हूँ अपने चाचा के। और यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि कैसे होता है, कैसे लगाते हैं, तो चाचा मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले कंधे पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, सर पे लगाओ। फिर सामने से भी कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले सर पे लगाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, कंधे पर लगाते हैं, फिर हाथ पर लगाते हैं, फिर पैर पर लगाते हैं। क्योंकि मेरे जो पहले वाले बड़े वाले चाचा थे, उनकी शादी हुई थी 2019 में, और मुझे इतना याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या करा था। फिर जो जो याद आता गया मैं वो धीरे धीरे करती गई, और सबने मुझे एक्सप्लेन भी करा, और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करी हल्दी की रस्म। सो गाइज अभी डीजे नाइट है, और ये देखो सब लोग आ चुके हैं। गाना भी चल रहा है मगर बहुत स्लो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे ना लावा भूजा जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ लावा भूजना क्या होता है और दिखाती भी हूँ। तो गाइज ये देखो, और ये मतलब मिट्टी का चूल्हा जो उस दिन आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, ये वो है। और ये अब सूख चुका है, अब इसमें हम कुछ जलाएंगे। मम्मी जला रही हैं। यहाँ मैं अपनी डेजी के लिए निकाल रही हूँ खीरा। बैठ जा डेजी ले। डेजी बहुत ज्यादा तंग कर रही थी क्योंकि उसको शोर पसंद नहीं है, उसके बाद मैंने खीरा खिला के उसे सुला दिया। तो गाइस ये हमारे फूफा जी आए, स्पेशल फूफा जी।
सीधा पंजाब। तो पंजाब से तो मैं इनसे एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकती हूँ, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेगी। कुछ नहीं करना, उन्हें दे अग्गे ऑलरेडी बग्गे खराब ने। कुछ भी। और ये है हमारे रवि चाचा फ्रॉम पंजाब, और इनकी डोले देखो आप, डोले दिखाओ आप। चेक कर मुंडे की तो डोले, चेक कर। ओ भाई, ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स, ये होते हैं असली डोले। ये देखो कट, ओ। और इनकी बॉडी दिखाती हूँ मैं, काय बॉडी, काय बॉडी, ये री बॉडी, ये टोन में, ये कुछ भी, कुछ भी। ये हमारी प्यारी आशु डांस करके दिखाएगी कौन से गाने बना चुकी। और ये हमारा प्यारा लविश, helps beat sensitivity fast, sensitive rapid relief, एंड भी नाचने लगे बेचारे बच्चे इतने उत्सुक हैं। नाचो डांस कर करके थक गए हैं, और मेरी मेमोरी फोन की फुल हो चुकी थी। इसे देखो कितना एक्टिव है ये, रात के 12 बजे भी इतना एक्टिव है ये, अभी भी ये 10 गानों पे नाच सकता है। एक्टिंग एक्टिंग, ये देखो ये देखो, भगने के लिए रेडी है, बस बैलेंस नहीं बन पा रहा इसका। तो गाइज, इसी के साथ होती है आज हमारी हल्दी की रस्म ख़त्म, और मेहंदी भी मैंने चाचा के इसी दिन लगा दी थी। और गाइज, कल है चाचा की शादी, और कल भी हल्दी की रस्म सुबह के टाइम होगी, तो वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।